गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय सेल्फ चेतन गर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम डेली एट 7:30 PM एक ज्योमेट्री का मस्त सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज वाला क्वेश्चन भी दिखने में काफी खतरनाक है, बहुत सारे सर्कल्स वर्कल्स हैं, बट ट्रस्ट मी सॉल्व करने में बहुत ईजी है, ठीक है। एंड जिस बच्चे ने भी 10th तक का ज्योमेट्री किया, 9th-10th का, उनसे ही आज वाला क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन यार, हम यहाँ पर VOS में हमने 23rd सितंबर से एक IUQM के लिए बैच स्टार्ट किए, एंड आई होप आपको सबको आइडिया होगा, IUQM के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 9th of January को एग्जाम है ना, तो ये बैच जी, इस बैच में हम VOS के तीनों टीचर्स, मैं, अभय सर, लोहित सर, हम तीनों टीचर टीच करेंगे, राइट। द बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 23rd of September, एंड अगर ये बैच आप कुछ डिस्काउंटेड रेट में लेना चाहते हो तो CZ IUQM ये वाला कूपन आप लगा सकते हो, यू गेट दिस बैच एट 2500। एंड जो बच्चे ऑलरेडी IUQM सर्टिफिकेट होल्डर हैं, या जिन्होंने लास्ट ईयर इनो का पेपर दिया था, या उससे पहले साल अगर किसी ने प्री RMO या RMO क्लियर किया था, दे शुड मेल मी देयर नेम, देयर ग्रेड, इनफैक्ट देयर दीज क्रीडेंशियल्स ऑन दिस ईमेल ID chetan.garg@vedanta.com। आपको डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट इनमो और IUQM बैच में एनरोल कर लिया जाएगा, राइट। एंड अगर आप कोई और ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपेरेशन करना चाहते हो, चाहे वो KVPY है, NTSC स्टेज 1 या स्टेज 2 है, या जूनियर साइंस ओलंपियाड है, या फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड है, देन यू कैन फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/VOSmaths2। हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट इन एनरोलिंग दीज बैचेस, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ज्योमेट्री जेम। देखो ये क्वेश्चन है, obviously ये सब tangents है जो आपको दिख रहे हैं, है ना। जैसे let's say this point is M, this point is let's say N, this point is Q, this point is R, these are point of contact, this point is let's say S, this A3 वाला point, है ना, these are tangents, ठीक है। अब हमें दो circles का radius given है, ठीक है, R1 का given है, R2 given है, हमें radius 8, R3 हमें निकालना है इस वाले circle का radius, ठीक है। तो ये तीनों सर्कल्स R1, R2, R3 ये तीनों आपस में टच कर रहे थे एक्सटर्नली, और एक और सर्कल बनाया गया जो इनके सेंटर्स का सर्कम सर्कल है, A1, A2, A3 का सर्कम सर्कल है, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, और बट हाँ, काफी कंफ्यूजन सी क्रिएट हुई है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे इसको करना चाहिए। तो पहली चीज, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो RQP और MNP, ये जो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हैं, एंड बेसिकली दे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, और हमें पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं वो लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स पे होते हैं, और उनको उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, मतलब PA2/PA1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8/18, एंड हेंस दिस इज नथिंग बट 4/9, ठीक है। ये PA2/PA1 का हमारे पास वैल्यू आ गया, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनको एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ये हमें पता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप और चीजें देखें, अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अच्छा, ये वाला भी एक टेंजेंट था, PA3 टेंजेंट था, तो A2 A3 एक कॉर्ड है, तो जितना ये एंगल है थीटा, उतना ही ये कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करेगी थीटा, ये सबको पता होगा प्रॉपर्टी, है ना। बिकॉज A1 A2 A3 का ये सर्कम सर्कल है, A3 पर ये टेंजेंट है, तो जितना कोई भी टेंजेंट एक कोड के साथ एंगल बनाता है, उतना ही वो कोड ऑपोजिट वाली सर्कम फ्रेंस पे सबटेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हो जाएंगे। कौन कौन सी, एक तो मैं बोल सकता हूँ PA3 A2, इसमें थीटा आ रहा है, पी दोनों में कॉमन होगा, है ना, तो दैट शुड बी सिमिलर विद पी की जगह, तो पी ले लिया, A3 की जगह A1 आ जाएगा, PA1 A3, है ना, ये चीज आ गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ये वाला एंगल है, लेट से दिस इज अल्फा, तो ये वाला एंगल हमारा अल्फा ये पी के इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, समझ में आ रही है बात। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भैया PA3/PA1 That should be equal to A2 A3/A1 A3, that should be equal to PA2/PA3, PA2/PA3, ये सिमिलर ट्राइंगल से अपन ने एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब फर्दर अगर आप ये A1, A2, A3 के सर्कम सर्कल की बात करोगे तो P पॉइंट से PA3 एक टेंजेंट है और ये A2 और A1 तो हम बेसिकली पावर ऑफ अ पॉइंट, चलो पावर ऑफ पॉइंट नहीं भी आता तो एक सिंपल सा थ्योरम होता है ना, PA2 मल्टीप्लाइड बाय PA1 दैट शुड बी स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, तो दैट शुड बी PA3 स्क्वायर। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या थ्योरम है। सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है, कोई भी हमने कोर्ड ड्रॉ कर दी, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, लेट्स दिस इज अ टेंजेंट, तो PA इंटू PB दैट इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ये सबको पता होगा। वही मैंने A1, A2, A3 के सर्कम सर्कल पे ये वाली थ्योरम लगाई, तो PA2 मल्टीप्लाइड बाय PA1 है ना, दैट शुड बी इक्वल टू PA3 स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखोगे PA2 अपॉन PA1 भी था हमारे पास, और इनफैक्ट PA3 अपॉन PA1 ये PA2 अपॉन PA3 के भी इक्वल है, तो मैं ये काम करता हूँ PA2 है ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ, या फिर हम यहां से पहले रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास PA2 अपॉन PA1 है ना। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग, मैंने क्या किया, PA1 से इसको डिवाइड कर दिया, तो PA2 को आई कैन से PA3 स्क्वायर अपॉन PA1 है ना। अब मैंने PA1 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, मतलब PA2 अपॉन PA1 दैट विल बिकम PA3 अपॉन PA1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में मैंने दोनों साइड PA1 से डिवाइड कर दिया, ये रेशो मेरे पास है, ये 4:9 है, तो दिस इज इक्वल टू 4:9, तो दैट इंप्लाइज क्या, ये जो PA3 अपॉन PA1 है ये मेरा 2:3 आ गया, तो ये जो PA3 अपॉन PA1 था दैट मीन्स ये रेशो फर्दर हमारी 2:3 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब तो देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया, अब तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए, इसका मतलब ये जो A2 A3 अपॉन A1 A3 है ये 2:3 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब A2 A3 अपॉन ये जो A1 A3 है ये 2:3 के इक्वल आ गया। A2 A3 क्या है, A2 A3 ये वाला लाइन है ना, तो ये R2 प्लस R3 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस R3, R3 मुझे निकालना था, अपॉन A1 A3, A1 A3 ये वाली चीज है जिसको आई कैन से ये कितना है 18 प्लस मेरा R3 है ना, दिस इज 18 प्लस R3। बस अब कहानी सिंपल सी है, इससे मैं R3 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है, लेट मी राइट इट विद ब्लू, ये कितना बन जाएगा 18 इंटू 2 36 प्लस 2 R3 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 3 R3। ठीक है भाई, तो 12 इक्वल टू R3, तो ये जो सर्कल का मुझे रेडियस निकालना था दैट इज नथिंग बट 12। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था यार, एंड ट्रस्ट मी, मतलब इस क्वेश्चन को मैं मतलब IUQM लेवल के हिसाब से 3 मार्क्स का रेट करूंगा। ठीक है, ये समवेयर 3 मार्क्स के अराउंड IUQM में आना चाहिए, अगर IUQM में आता है तो इट शुड बी ऑफ 3 मार्क्स। ठीक, तो कंसेप्ट कुछ नहीं था, सिर्फ सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट था और एक स्टैंडर्ड सी थ्योरम PA इंटू PB दैट इज इक्वल टू PT स्क्वायर, इस पे बेस्ड था, हल्का फुल्का सिमिलर ट्राइंगल था, डायरेक्टली यूक्लिडियन ज्योमेट्री से ही हो गया, कोई हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज किया। राइट, तो ये आज का ज्योमेट्री जैम था, आई होप आपको सबको मजा आया होगा। अब कल मिलेंगे सेम टाइम पे 7:30 पर, जिसमें हम एक नया ज्योमेट्री जैम डिस्कस करेंगे। राइट, सो सी यू टुमारो, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।